Hello guys, I'm Manisha, welcomes you to your favorite cooking channel Pretty Kitchen. Guys, today we are going to make mozzarella cheese and without Rinnate tablet. It is homemade mozzarella cheese. Yes guys, please believe me, we can make it at home. So, चलिए मैं आपको बताती हूँ. सबसे पहले मैं आपको ये वीडियो दिखाऊंगी जिसमें मैंने ऑलरेडी ये चीज़ बनाकर माइक्रोवेव किया है. तो देखिए कितना स्ट्रेची है और बहुत ही टेस्टी है, बिल्कुल फ्रेश ये चीज़ है. आप देख सकते हैं इसका स्ट्रेचनेस, ये बहुत ही ज़्यादा मीन्स जैसे डोमिनोज का पिज़्ज़ा हम खाते हैं उसके ऊपर का जो चीज़ होता है बिल्कुल स्ट्रेची वैसा ही दिख रहा है, वैसा ही बनता है. तो चलिए इसकी क्विक रेसिपी मैं आपको बताऊँगी. तो सबसे पहले मैं आपको इसके लिए रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरा चैनल अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और शेयर करना मत भूलिए. तो सबसे पहले हम कच्चा दूध लेंगे. मैंने इस बर्तन में थोड़ा सा कच्चा दूध लिया है. अब इस दूध को हमें थोड़ा सा गर्म करना है. देखिए हमें बॉईल नहीं करना है, बहुत हॉट नहीं करना है, बिल्कुल वार्म करना है. ऐसा गर्म करना है कि हमारी उंगली इसको सह सके, या फिर आप चम्मच की मदद से थोड़ा सा आपके बैक पाम पे थोड़ा सा इसके बूंदे डाल के देख लीजिए. और इसके लिए सिर्फ एक मिनट लगेगा ये वार्म होने के लिए, ज़्यादा ना पकाए. देखिए गर्म लग रहा है मुझे, तो मैं अभी इसको बंद कर दूंगी. अब इसमें क्या डालना है, ये हो गया है एक मिनट में. अब मैं इसमें वाइट विनेगर डालूंगी, वो भी थोड़ा सा, क्योंकि मैंने कच्चा दूध थोड़ा सा ही लिया है तो मैं थोड़ा सा वाइट विनेगर डालूंगी. और ये डन. अब ये आप देखेंगे, ये देखिए वे बिल्कुल अलग हो चुका है, यानी कि पानी दूध का अलग हो चुका है और ये चीज़ हमारा रेडी हो चुका है. इट इज़ टाइम टू स्क्वीज इट नाउ. और ये देखिए कितना स्ट्रेची है, इजंट इट, आई विश के आप देख सकते हैं. और इसको देखिए अब क्या करना है, बिल्कुल दो मिनट में ये स्क्वीज करके रेडी हो जाएगा और इसकी टेस्ट बिल्कुल ओरिजिनल मोज़रेला जैसे ही लगती है. इनफैक्ट उससे भी बेटर लगती है क्योंकि ये अभी हमारे घर का बनाया हुआ है. और आप देख सकते हैं मैं उसे हाथों से निकाल सकती हूँ क्योंकि दूध मैंने ज़्यादा गर्म नहीं किया था, सिर्फ वार्म दूध हमें चाहिए, हॉट दूध या बॉइल्ड दूध नहीं चाहिए. ओके, और देखिए ये पनीर नहीं है, ये बिल्कुल चीज़ बन चुका है. देखिए इसका स्ट्रेचनेस आप देख सकते हैं कितना मैं इसको खींच रही हूँ और ये रबर की तरह खींचा जा रहा है. और दिस इज़ वॉट आई वॉन्ट टू शो यू एग्जैक्टली कि ये प्रोसेस जो है ये पनीर की प्रोसेस नहीं है. ओके, सो प्लीज़ जो भी कहते हैं कि ये पनीर बन जाता है तो ऐसा नहीं है. और ये मैंने पहले ही बनाया हुआ है तो आप देख सकते हैं. अभी मैं आपको इसको माइक्रोवेव थोड़ा सा 30 सेकंड के लिए मैं करूँगी तो वो मैं आपको दिखाऊँगी. ओके, तो सो दैट यू कैन बिलीव इट ईजिली. तो सबसे पहले मैं इसको ग्रेट करूँगी. अब मैंने ये ग्रेट किया हुआ चीज़ है आप देख सकते हैं, इसको हम 30 सेकंड के लिए माइक्रोवेव करेंगे. और आप देख सकते हैं इसको मैंने 30 सेकंड के लिए माइक्रोवेव कर लिया है. अब मैं आपको दिखाऊंगी कि कितना स्ट्रेची और कितना ज़्यादा टेस्टी और कितना ये बन चुका है. देखिए डोमिनोज पिज़्ज़ा का जो चीज़ होता है ना बिल्कुल वैसा बन चुका है. सो गाइस आई होप यू लाइक माई वीडियो एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस. एंड ऑल ऑफ अस आर वेरी टैलेंटेड एंड सो वी कैन डू एनीथिंग एट होम. ओके, सो आई होप यू हैव सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियो एंड ऑल्सो शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली. ओ सो यमी इट इज. सो गाइज कीप वॉचिंग माई वीडियोज टिल देन, सी यू नेक्स्ट.